गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आत्मशिक्षण सत्र का दूसरा अध्याय जिसका नाम है मिठाई वाला पढ़ेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। वो इस पाठ में कैसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो दूसरों के सुख में ही अपने सुख को ढूंढता है और दूसरों की खुशी को ही अपनी खुशी मानकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। दूसरों को सुख बांटना उसके जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है और वो इसी में अपने सुख का भी अनुभव करता है। उसे संतोष होता है दूसरों को सुख पहुंचाकर और वो कहता है कि जिसने इस सुख को, संतोष को अपने जीवन में पा लिया है वे संसार का सबसे सुखी और धनी व्यक्ति है। तो चलिए आज हम इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। एक खिलौने वाला है जो गलियों में शोर मचाता हुआ घूमता रहता है और आवाज बहुत मीठे स्वर में गाना गाता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, उसके ये वाक्य अधूरे हैं किंतु बच्चों को उसका जो गाना गाने का ढंग है वो बहुत मधुर लगता है और वे बेसुध होकर उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन हो उठते हैं। वे उसके जो कहते हैं कि हम प्रेम से भीगे हुए, उसके प्रेम में इतने पागल हो चुके हैं कि उसकी आवाज़ सुनते ही तुरंत उसके पास पहुँच जाते हैं। चाहे जैसे मर्जी बच्चों, छोटे बड़े, गंदे गोदी के बच्चे, भागने वाले सब, और यहाँ तक कि युवतियाँ भी जो चिक होते हैं वो बांस की तिलियों से बने हुए पर्दे उन्हें उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं, गलियों में आवाज़ें लगाने लगती हैं और अपने मन में जो उसकी एक छवि स्थित हो चुकी है, उनके जो अंदर मन में फैल चुकी है उसकी छवि के अनुसार उसे देखने लगते हैं। और जो बच्चे पार्कों में खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं, वो बच्चे झुंड बनाकर उस खिलौने वाले के चारों ओर फैल जाते हैं और उसे घेर लेते हैं तथा उसकी खिलौनों के बारे में पूछने लगते हैं, ये कितने का दिया, ये कैसा है, ये कितने पैसे मिलेगा, और खिलौनों को देखकर खुश होने लगते हैं। बच्चे जब खिलौने देखकर खुश होने लगते हैं और अपनी माँ से पैसे लेकर आते हैं, खिलौने वाले से मोल भाव करते हैं। दाम तो वो बहुत से खिलौनों का पूछते हैं परंतु खिलौने वाला बच्चों को देखता रहता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से, छोटी छोटी उंगलियों से पैसे लेकर और बच्चों को जो खिलौने चाहते हैं वो खिलौने देकर अपने मन को संतोष प्राप्त करता है तथा बच्चों को खुशी देता है। खिलौने लेकर जब बच्चे उछलने कूदने लगते हैं तो खिलौने वाला भी उन्हें खुश देखकर उसी प्रकार गाना गाता हुआ चलने लगता है और कहता रहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जिस प्रकार सागर की हिलोरे होती रहती हैं, सागर में हिलोरे होती रहती है, उसी प्रकार जो उसका मधुर गीत है वो पूरी गली के सभी मकानों में इस तरह फैल जाता है, पहुंच जाता है कि सभी उसकी आवाज़ पर मोहित हो जाते हैं और अपने आवाज़ पर मोहित करते हुए खिलौने वाला आगे बढ़ता जाता है। एक दिन एक बाबूजी हैं राय विजय बहादुर जी, उनके बच्चे भी खिलौने लेकर घर आते हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है चुन्नू और दूसरे का नाम है मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आता है तो वो कहता है कि देखो मेरा गोला कैसा सुंदर है। तब मुन्नी भी बोलता है कि अले मेरा भी देखो, मेरा भी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े देखकर खुश होते हैं और उछलने लगते हैं। तभी उनकी माँ आती हैं जिनका नाम है रोहिणी। वो अपने बच्चों को देखती हैं और उन्हें बुलाकर पूछती हैं कि ये तुम खिलौने कितने के लेकर आए हो। दोनों बच्चे बताते हैं कि हम 2 पैसे का खिलौना लेकर आए हैं। एक पल के लिए तो रोहिणी सोचती है कि इतने सस्ते खिलौने कोई कैसे दे सकता है, परंतु फिर अपने काम में लग जाती हैं और भूल जाते हैं। अब कुछ समय पश्चात तकरीबन 6 महीने बाद नगर में उस गलियों में दोबारा से एक मुरली वाला आता है, जिसका समाचार पूरी गली में फैल जाता है कि एक मुरली वाला आया है जिसकी आवाज़ बहुत मधुर है, जो बहुत मीठा गाता है। वो तो एक तरह से उस्ताद ही है, उसके समान मुरली कोई भी नहीं बजा सकता और मुरलियाँ को बेचता भी है। तब किसी ने उसकी वेशभूषा के विषय में पूछा, तब उसने कहा कि हाँ है कोई 30-32 साल का लड़का, दुबला पतला सा, गोरा चिट्टा, बिकनेरी रंगीन साफा बांधता है। तब एक व्यक्ति ने कहा था यह तो वही खिलौने वाला होगा क्योंकि उसकी वेशभूषा रंग रूप भी कुछ इसी प्रकार का था। पर जब वो सामने आया मुरली वाला, तब मुरली वाले की चर्चा लगातार होती रही और प्रत्येक गली में उसका जो मादक स्वर था, उसका जो मधुर स्वर था जिससे लोग बेसुध हो जाते थे, वह स्वर सुनाई पड़ा। तब उस गली के सभी लोगों को यह निश्चय हो गया कि यह मुरली वाला व्यक्ति ही खिलौने वाला व्यक्ति था जो 6 महीने पहले गली में सब बच्चों को 2-2 पैसों में खिलौने दे गया था। अब रोहिणी भी मुरली की आवाज़ सुनती है जो चुन्नू मुन्नी की माँ है। वो भी खिलौने वाले को
खिलौने वाले को याद करती है, उसे भी याद आता है कि हाँ शायद वो व्यक्ति भी इसी कदकाठी का था और गा गा कर खिलौने को बेचा करता था। तभी रोहिणी अपने जो पति हैं उन बच्चों के पिता हैं विजय बाबू उनके पास जाती है और कहती है कि आप भी चुन्नू मुन्नू के लिए दो बांसुरी ले लीजिए, पता नहीं वे बच्चे कहाँ चले गए हैं। तब विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं और उसी तरह वे दरवाजे पर जाकर मुरली वाले से पूछते हैं कि किस तरह देते हो मुरली। तब मुरली वाला उनकी बात को सुनकर उनके पास आने लगता है तो तभी बच्चे उनके पीछे भागने लगते हैं। किसी की टोपी गिर जाती है, किसी का जूता वहीं छूट जाता है, किसी का पजामे का नाड़ा ढीला हो जाता है तो पजामा लटक जाता है और हर एक प्रकार से बच्चे दौड़ते हाँफते हुए झुंड बनाकर मुरली वाले के पास आ जाते हैं कि हमें भी मुरली दे दो। मुरली वाला तब बहुत प्रसन्न होता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और कहता है कि सबको दूंगा लेकिन ज़रा रुक जाओ, एक एक करके मैं सबको मुरलियाँ देता जाऊँगा। तब विजय बाबू जो होते हैं वो भी कहते हैं कि मुझे भी मुरली लेनी है। तब वो पूछता है कि बताइए बाबूजी, तब वो कहते हैं कि कितने में दी। तब वो कहता है वैसे 3 पैसे के हिसाब से दी है बाबूजी, पर आपको 2 ही पैसे में दे दूंगा। अब विजय बाबू को बड़ा आश्चर्य होता है और वो मुस्कराते हैं और मन ही मन कहते हैं कि कैसा है ये व्यक्ति, देता तो सबको 2 ही पैसे में है परंतु मुझे 3 पैसे बताकर एहसान मेरे ऊपर ही रख दिया कि आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तब वो उस मुरली वाले से कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते तो सबको 2 पैसों में हो पर मेरे ऊपर ही बोझ रख दिया है 3 पैसे का। तब मुरली वाला बहुत अप्रतिभ हो जाता है, अप्रतिभ का अर्थ है जैसे कोई जवाब ना देने योग्य, और कहता है कि आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत, कि आपको बाबूजी इस मुरली की जो कीमत है वो क्या पता, यह तो ग्राहक का नेचर होता है, दस्तूर होता है कि चाहे दुकानदार या बेचने वाला जितनी मर्जी हानि उठाकर चीज़ ग्राहक को दे परंतु दुकानदार को लुटेरा ही समझा जाता है। और आप विश्वास करोगे भी क्यों, क्योंकि आपको तो 2 पैसे ही दाम देना है, ऐसे में आपको ऐसी मुरली कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने तो 1000 मुरलियाँ एक साथ बनवाई थी इसलिए मुझे इस भाव में पड़ गई हैं, परंतु आपको 2 पैसे में यह मुरली कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो बच्चों देखो, आज हमने सिर्फ 2 ही पेज लिए, 2.5 पेज, जहाँ इन 2.5 पेज में हमें अब तक क्या बताया कवि ने, हमें बताया है कवि ने या लेखक ने कि एक मुरली वाला है जो दूसरे लोगों की खुशियों को देखकर खुश होता है, उन्हें सुख देना चाहता है तथा अपना सब कुछ लुटाकर भी उन बच्चों को व्यक्तियों को खुशी देकर अपने में संतोष महसूस करता है। आज हमारे संदर्भ में या हम ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखते जो दूसरों का भला चाहते हों, आज व्यक्ति केवल अपने निजी सुख के पीछे भागता जा रहा है। अब इस पाठ में आगे हम कल पढ़ेंगे और क्या क्या बताया है लेखक ने इस व्यक्ति के विषय में, उसके बारे में भी जानेंगे। आप आगे पाठ की अपनी थोड़ी सी रीडिंग भी करके रखिएगा और अपनी कॉपी भी मेंटेन करनी शुरू कर दीजिए।